सो गाइस 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 स्वाली तुम्हारे इंडियन रॉयल कस्टमर ट्रक गेम पे तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर पर तुम्हारी न्यू मॉडिफिकेशन हो चुकी है। एंड वो मॉडिफिकेशन कैसी होने वाली है वो दिखाने वाला हूँ। और तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर अपने गेम प्ले में कब तक ऐड होने वाली है, कब तक अपडेट आने वाला है, और आज एक खतरनाक न्यूज़ भी लेके आऊँ। वो न्यूज़ क्या होने वाली है आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत बने ना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो गाइस लेट्स गो। एंड गाइस मतलब कि तुम्हारे गेम प्ले में ना हमने तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर पर और तुम्हारी जो फोर्ड एंडेवर कार है इन दोनों की मॉडिफिकेशन हो चुकी है। मतलब ग्रिल चेंज करने का ऑप्शन, न्यू लाइटिंग और मतलब बहुत कुछ चेंज, न्यू मॉडिफिकेशन है जो कि एकदम खतरनाक होने वाली है। उससे पहले तुम्हारी कुछ फोटो दिखाता हूँ जो कि तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की होने वाली है। हाँ तो गाइस तुम्हारी इस गेम प्ले में ये वाली न्यू मॉडिफिकेशन हम हर एक कार पर, खाली तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर ना फोर्ड एंडेवर, हम हर एक कार पर जितनी ऑल कार्स है ना, तुम्हारी थार है, स्कॉर्पियो, न्यू फॉर्च्यूनर, जितनी भी कार ऐड होंगी उन सब पर हम इस मॉडिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग से ऑप्शन ऐड कर देंगे, जैसे तुम्हारी ट्रॉली और सब कुछ न्यू कार का मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन, जैसे लैंडी जीप का ऑप्शन है ना, उसी तरीके से हम एक अलग से ऑप्शन देने वाले हैं हर एक न्यू मॉडिफिकेशन को अप्लाई करने का, ठीक है। और बात बताऊँ तुम्हारी खतरनाक न्यूज़ क्या होने वाली है, जो तुम्हारा न्यू मेसी 9500 है ना, वो जो मतलब जो रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं लगते, मतलब जो रियल ट्रैक्टर होता है ना उस तरीके से नहीं लगता, इसीलिए हम उसको भी कस्टमाइज करके एकदम रियलिस्टिक, जो एकदम रियल फीलिंग आए वो वाला ट्रैक्टर ऐड कर रहे हैं। तुम्हारा न्यू ट्रैक्टर, न्यू मतलब मेसी 9500 वो भी ट्रैक्टर ऐड किया जा रहा है। और तुम्हारी एक आध दिन में तुम्हारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर आज या कल में शायद अपडेट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, ओनली ऐड करना बाकी रहेगा उस मॉडिफिकेशन को, तो वो भी ऐड हो जाएगी। मतलब अप्लाई कर दिया ऑल कार्स पर, बट ओनली तुम्हारा बस ऐड करना बाकी रह गया। और तुम्हारी मतलब स्कॉर्पियो S11 भी डिजाइन हो चुकी है, न्यू थार, न्यू लैंडी जीप, मतलब सब कुछ ही ऐड होने वाला इसी अपडेट में। जहाँ तक तुम्हारा ट्रैक्टर भी जो 9500 मेसी है ना, वो भी इसी अपडेट में आने वाला है। मतलब कि अपडेट के अपडेट ना बहुत बड़ा भी होने वाला है, बट टाइम तो लगेगा, मतलब 15 से 16 दिन लग जाएंगे, 20 दिन भी लग जाए, क्योंकि अभी तुम्हारी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़े, जैसे गेम मतलब कि सब कुछ ऐड कर देंगे उसके बाद गेम बहुत मतलब 102 GB के आसपास चला जाएगा, जैसे पबजी है ना उसी तरीके से चला जाएगा। उसको ऑप्टिमाइज करके हम 100 MB या 150 MB से छोटे मोबाइलों में चल सके, उसको भी ऑप्टिमाइज करके हम ऐड करेंगे, मतलब ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद तुमको अपडेट दे देंगे। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर तुम्हें कोई भी न्यू मॉडिफिकेशन चाहिए तो ऐड मतलब ऐड कर देंगे। और हमने तुम्हारे जो मतलब बहुत कमेंट्स आ रही थी और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, वो वाले भी एलॉय व्हील ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत डिमांड थी उन एलॉय व्हील की, हर एक कार में हम उन एलॉय व्हील को लगा सकते हैं। और जहाँ तक सोच रहे हैं कि 26 इंची वाले एलॉय व्हील भी ऐड कर दें। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुम्हारे गेम प्ले में 26 इंची वाले जो एलॉय व्हील ऐड करें या नहीं, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम्हारी फॉर्च्यूनर ना भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर उसी में ही तंगड़ी लगने वाली हो, तो खतरनाक लगने वाली, लुक भी उसी पर अच्छा लगेगा। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।